अगर आप घर बैठे फ्री में पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, वो भी मात्र 5 से 10 मिनट में, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसके लिए। इसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और आप कहलाएंगे टेक्नोलॉजी के मास्टर। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं हूँ पुष्पेंद्र धाकड़। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आप गूगल पर लिखेंगे ई पोर्टल इनकम टैक्स, और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका सबसे ऊपर दिख रहा होगा ई फिलिंग होम पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, होम पर जाएंगे, होम पर क्लिक करेंगे और आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे शो मोर, इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टेंट ई पेन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन देखेंगे, ई पेन और चेक स्टेटस डाउनलोड पैन कार्ड। तो हमें नया बनाना है, इसलिए गेट न्यू ई पेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे अपना, और ध्यान रखें आधार नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए जो भी आपका है, और इसके बाद नीचे आपको आई कन्फर्म पर कंसेंट क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा कंसेंट डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करके कंसेंट देके कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है, और ओटीपी डाल के आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, उस पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, डिटेल खुल जाएगा। डिटेल खुलने के बाद आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका ईमेल लिंक नहीं, आप लिंक करना चाहते हैं, अगर चाहें तो आप यहाँ पर वैलिडेट कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, और आपका बन गया ई पैन कार्ड। तो आपकी जो रिक्वेस्ट ई पैन कार्ड की वो सबमिट हो गई है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया आपका, और इसमें कहा गया कि आप इसको सेव करके रखें, आपके फ़ोन पर भी मैसेज आ जाता है, आपके मोबाइल पर आप रिसीव कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो पैन कार्ड है डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करते हैं। चेक पे किस स्टेटस पर क्लिक करेंगे, चेक है जिस पर फिर से आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डाल के हम चेक करते हैं कि देखते हैं कि भैया अभी हमारा जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी बन गया कि नहीं बना, डाउनलोड कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो आप फिर से यहाँ पर आधार कार्ड डाल के और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वही ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डाल दीजिए अपने फ़ोन पर जो भी ओटीपी आया होगा। ओटीपी डालकर देखते हैं कि भैया क्या होता है, हमारा ये बना कि नहीं बना है। ओटीपी डालते हैं चलिए, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करा, लोडिंग हुआ, और आपको देखते हैं क्या हुआ है। लोडिंग करंट स्टेटस आपका जो आ रहा है भी आ रहा है, थैंक यू फॉर, मतलब ये है कि अभी पेंडिंग में है, रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में है, मतलब आपसे कहा कि 1 घंटे बाद देखें, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 घंटे बाद नहीं, आपने अगर एक दिन, जैसे मान लो आपने 15 तारीख को करा था, तो आप 16 तारीख, मतलब 1 दिन बाद देखें, कम से कम 12 घंटे लगते हैं, कम से कम। पहले ऐसा होता तो 5 मिनट का 1 मिनट बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कम से कम 12 घंटे लगते हैं। चलिए हम इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं, हम जब से मैं अगले दिन देखता हूँ, मतलब कि 12 घंटे बाद हम देखते हैं कि ये बना है कि नहीं बना है। तो इसके लिए आपको वही होम पे जाना पड़ेगा, होम पर जाकर वहीं जहाँ आप गए थे पहले, आपको वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें फिर से वो चेक डाउनलोड स्टेटस, इस पर आप दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है ना, कंटिन्यू में क्लिक करिए और आधार नंबर डाल दीजिए, जैसा कि हमने पहले किया था, आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, तो आपको वो ओटीपी डालना रहेगा। जैसे ही आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक किया, और ये रहा आपका पैन कार्ड, BU पैन कार्ड और डाउनलोड ई पैन कार्ड। यहाँ से डाउनलोड क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद ये आपके सामने खुल जाएगा आपका पैन कार्ड, ये आपके सामने खुल गया, पैन कार्ड नंबर आ गया, पूरी डिटेल आ गई, और ये आपका पैन कार्ड है, इसको आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई इससे कोई मना ही नहीं करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।